पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया गया है ये बताया गया है। तो आज हम ये प्रयास करेंगे कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है वाई टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यदि एक्स की जगह हम कोई वैल्यू पुटअप करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू सपोज टेन थीटा, तो इस समय ये जो क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा अपन वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स वन की जगह हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। हमको ये पता है कि टेन पाई बाई फोर का जो मान होता है वो वन होता है, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा तो इस स्थिति में y इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा। चूँकि हम ऊपर x इज इक्वल टू टेन थीटा ले चुके हैं, तो इसके आधार पर अगर मैं थीटा चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स x, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई फोर का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हमारा ये डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें जो पिछले प्रोसेस में है कि ये क्वेश्चन कम से कम दो पेज चला गया था, काफ़ी लंबा चला गया था, तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।